Dear students, today we will discuss antifungal drugs. Antifungal drugs क्या होती है? Antifungal drugs का किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, वो सारी चीज पढ़ने वाले। सिंपल सा बात है, एंटीफंगल का मतलब एजेंट्स ड्रग्स विच आर यूज फॉर द फंगल इन्फेक्शन नोन एज एंटीफंगल। ओके, दीज फंगल एंड ड्रग्स और एंटी फंगल ड्रग्स मे बी आइदर टॉपिकल और सिस्टेमिक और वट एवर। मीन्स वी आर डिस्कसिंग ऑल एंटी फंगल ड्रग्स मीन दैट कैन बी यूज एज अ टॉपिकल एज वेल एज सिस्टेमिक इन्फेक्शन ऑफ फंगस। क्लियर? नाउ अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन हो गया। अब मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि डिस्कस शॉर्ट नोट ऑन एंटीफंगल ड्रग्स, एक ये हो सकता है। इसी का दूसरा लैंग्वेज फॉर्म हो सकता है डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटीफंगल ड्रग्स विद सूटेबल एग्जाम्पल, तो वो चीज हो सकता है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है और थोड़ा सा यदि आप एम्फेसिस देंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटीफंगल ड्रग्स की। एंटीफंगल ड्रग्स को हम एंटीफंगल एजेंट्स ही बोलते हैं। पहली कैटेगरी है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स जैसा कि मैंने आपको एंटीवायरल कैटेगरी में बताया था, एंटीवायरल कैटेगरी में वही सेम चीज है। मतलब एक प्यूरीन या पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस होगा, उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में सुगर मोइटी जुड़ी होगी, हम उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड काम कहाँ करता है? काम करता है सीधा डीएनए या आरएनए पे कंपटीशन करता है, और ये वहां पे उसको डीएनए और आरएनए को बनने नहीं देता, जिसकी वजह से वहां पे उस सेल की ग्रोथ होना रुक जाती है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये पहला हो गया आपका न्यूक्लियोसाइट्स। ओके, जिसमें फ्लू साइटोसिन हमारा एक पहला एग्जाम्पल है। क्लियर? फिर दूसरा आता है यहाँ पे एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। ध्यान देना यहाँ पे, जैसा आपको पता है कि जो फंगल ग्रोथ होती है उस फंगस में उनका स्पेसिफिक नेचर होता है, उसी वजह से कुछ ड्रग्स और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। हालांकि अपन एंटीबायोटिक वाला चैप्टर में कंप्लीट एंटीबायोटिक पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स है दैट आर स्पेसिफिक फॉर द फंगल इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि उनका फंगस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा डिफरेंट होता है कंपेयर टू नॉर्मल बैक्टीरिया और वायरस। ओके, दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड एज एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं। एजेंट्स व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर डेरिवेटिव यूज टू इनिबिट और किल द इनिबिट द ग्रोथ और टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इन द स्मॉल कंसेंट्रेशन नोन एज एंटीबायोटिक। ओके, तो पहला है यहाँ पे पोलीइन्स। पोलीइन्स का मतलब यहाँ पे ये होता है बहुत सारे डबल बोन्ड। डबल बोन्ड ज्यादा होंगे, बोन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बोन्ड ज्यादा होंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पोलीइन। पोली का मतलब ज्यादा, इन का मतलब समझ में आ रहा होगा, इन का मतलब जब भी बात करेंगे तो डबल बोन्ड की बात करें, मतलब इन सभी एंटीबायोटिक्स में डबल बोन्ड ज्यादा होंगे, बहुत सारे डबल बोन्ड होंगे। जैसा पहला है एम्फोटेरिसिन, निस्टेटिन, नाटामाइसिन और हेमाइसिन। नाटामाइसिन, हेमाइसिन, निस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन की। एम्फोटेरिसिन बी जनरली बोला जाता है इसमें, और एम्फोटेरिसिन जनरली आपने देखा होगा ब्लैक फंगस में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बिकॉज इट इज सिस्टेमिक एंटी इन्फेक्शन एंटी फंगल। क्लियर? तो ये साथ साथ समझ में आ गया होगा, ब्लैक फंगस में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट आता है अदर्स में, जिसमें आपका ग्रेसियोफ्लेविन है। अगेन इट इज अ वेरी स्पेसिफिक ड्रग ग्रेसियोफ्लेविन। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जीपेड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ग्रेसियोफ्लेविन पे। ग्रेसियोफ्लेविन की प्रॉब्लम एक और है जिसका मैं आपको बहुत थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। ग्रेसियोफ्लेविन जनरली वाटर सोल्यूबल भी नहीं होता, लिपिड सोल्यूबल बहुत ज्यादा होता है। वाटर सोल्यूबल नहीं होने की वजह से यहाँ पे उस ड्रग का डोजेज फॉर्म बनाना बड़ा टिपिकल है। तो इसके साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल भी रहे हैं, क्यों इसका डोजेज फॉर्म बड़ा टिपिकल फॉर्म होता है, इसीलिए इसका जनरली इसका जैसे सॉलिड डिस्पर्शन वगैरह इस तरह का आता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट एलाइलमीन्स एंड रिलेटेड। एलाइलमीन किसको बोलते हैं?
एलाइल पार्ट हम किसको बोलते हैं, ध्यान देना इसमें दो चीज बनी हुई है, दो चीज का मतलब समझना। एलाइल पार्ट कौन सा होता है, तीन कार्बन होता है एक डबल बॉन्ड होता है, ध्यान देना तीन कार्बन इस तरह से है, डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन की तरफ होगा, इधर वाले बॉन्ड से ये जुड़ा होगा, ये H हो जाएगा H2 हो जाएगा और ये H हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा, इस तरह के पार्ट को हम बोलते हैं एलाइल। ओके, और एमीन वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें NH2 ग्रुप होगा, इसमें NH2 ग्रुप होगा, तो कहने का मतलब ये फंक्शनल ग्रुप और NH2 ग्रुप होगा तो उसको हम एलाइल एमीन बोलते हैं। यहाँ पे इसमें अगेन हम बात करेंगे जब स्ट्रक्चर की, तो वहां पे बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा। नेफ्टामीन नेफ्टिफाइन का मतलब उसमें नेफ्थलीनिंग होगा, टर्बिनाफाइन उसमें टर से रिलेटेड होगा, टोलनाफोटेट मतलब उसमें टोलाइल नेचर का होगा, ब्यूटिनाफाइन का मतलब उसमें ब्यूटाइल पार्ट होगा। इस तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे कौन से हो गए, एलाइल एमीन्स के डेरिवेटिव हो गए। एग्जाम में जीपेट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फार्मासिस्ट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है विच ड्रग यूज्ड एज ए एंटी फंगल एंड डेरिवेटिव ऑफ एलाइल एमीन्स नोन एज, तो आप में इसमें से चारों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। फिर सबसे बड़ी कैटेगरी इसकी जो आती है वो होती है एजोल्स, एजोल्स एंटी फंगल। एजोल क्या होता है, एजा का मतलब होता है एक, हमेशा दिमाग में रख लेना नाइट्रोजन होगा, ओल का मतलब होता है हमेशा पांच मेंबर की रिंग, फाइव मेंबर रिंग होती है, तो ध्यान देना एजा का मतलब नाइट्रोजन होता है, ओल का मतलब फाइव मेंबर होता है, मतलब फाइव मेंबर रिंग सिस्टम में नाइट्रोजन होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पहला कैटेगरी आता है इमिडाजोल, इमिडाजोल का मतलब सिंपल सा है नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन उसमें दो नाइट्रोजन होंगे 1-3 पोजीशन पे होंगे, तो इसको बोलते हैं हम इमिडाजोल। तो यहाँ पे इस फंक्शनल इस रिंग सिस्टम को हम बोलते हैं इमिडाजोल। और ये सभी ड्रग्स कौन सी होगी, इमिडाजोल डेरिवेटिव होगी, कौन कौन सी, माइकोनाजोल, इकोनाजोल, आइसोकोनाजोल, डियाकोनाजोल, फेंटिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल, केटिकीटोकोनाजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोट्रायमाजोल, फ्लूट्रायमाजोल, बाइकोनाजोल, ब्यूटाकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ये सारे के सारे यहाँ पे सर्टाकोनाजोल इंपोर्टेंट है, क्लोट्रायमाजोल इंपोर्टेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपसे अब बात करती है कि लगभग लगभग सारे नाम से दिख रहा है एजोल वर्ड आ रहा है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ट्रायाजोल पे। ट्रायाजोल का मतलब, ट्राय का मतलब तीन, एजा का मतलब नाइट्रोजन, ओल का मतलब फाइव मेंबर, तो यहाँ पे ट्रायाजोल किस तरह का नेचर हो सकता है, आपका इस तरह का नेचर हो सकता है, ये आपका ट्रायाजोल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये इस तरह की नेचर हो, इसको हम ट्रायाजोल बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, मतलब इसमें तीन तो नाइट्रोजन हो गए और ओ जिसको अपन ट्राई बोल रहे हैं, और एजो एजो का जिसको ट्राई एजो बोल रहे हैं, और ओल का मतलब हो गया यहाँ पे पांच मेंबर रिंग, पांच मेंबर रिंग, ये पांच मेंबर वाली रिंग हो गई, उसको ट्रायाजोल बोलते हैं। तो ये हो गया फ्लूकोनाजोल, टर्कोनाजोल एंड आइट्रकोनाजोल, ट्रकोनाजोल एंड आइट्रकोनाजोल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसके आइसोमेरिक टाइप का रहता है, इसको हम आइट्रकोनाजोल बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, अगेन बात कहूंगा यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है विच वन इज द ट्रायाजोल डेरिवेटिव, तो आपको तीन नाम याद रख लेना, बाकी सारे के सारे इमिडाजोल डेरिवेटिव है, तो आपको 100% याद हो जाएगा, फ्लूकोनाजोल, ट्रकोनाजोल, आइट्रकोनाजोल, ये तीन ड्रग्स है जो ट्रायाजोल डेरिवेटिव है, बाकी सारे के सारे इमिडाजोल डेरिवेटिव, क्लियर। फिर उसके बाद में जो न्यूअर एंटीफंगल आता है, फिफ्थ कैटेगरी, न्यूअर एंटीफंगल का मतलब जो अभी अभी डेरिवेटाइज हुई है, थोड़े टाइम पहले ही, थोड़े टाइम का मतलब सालों में बात हो रही है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या ड्रग मॉलिक्यूल जो मार्केट में आता है बहुत टाइम लगता है। तो पहला है इसमें वोरिकोनाजोल एंड दूसरा है पासाकोनाजोल, ये ही अगेन एजोल डेरिवेटिव है लेकिन ये न्यूअर है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूअर लिखा। नेक्स्ट आता है इकोनाकैनिडीन्स एंड पेना न्यूमोकैनाडीन, क्लियर। फिर एरियोबेसिडीन, पेराडाइमिसिन और बेनना मायोसिन, ये कुछ ड्रग्स है जो न्यूअर ड्रग्स है। यहाँ पे अगेन बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा सा क्वेश्चन बोला जाएगा कि बेनोनोमाइसिन इज ए ड्रग फॉर कौन सा फंगल इन्फेक्शन, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बनता है। फिर उसके बाद में
हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है, सिक्स कैटेगरी मिसलिनियस। ये मिसलिनियस जो मैं बताने वाला हूँ, सारे के सारे कंपाउंड्स या सारे के सारे ड्रग्स टॉपिकली ही यूज होते हैं, इंटरनली यूज नहीं होते, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। दीज आर एजेंट्स विच आर यूज एज ए टॉपिकली, हालांकि ये सारे के सारे सिस्टमिक एज वेल एज टॉपिकल दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन ये छठी कैटेगरी मैंने जो मिसलिनियस कैटेगरी बता रहा हूँ वो सिर्फ टॉपिकल यूज होगा, जिसमें पहला है फैटी एसिड। फैटी एसिड का सीधा सीधा फॉर्मूला RCOOH, इसको अपन फैटी एसिड बोलते हैं, जिसमें प्रोपियोनिक एसिड है, सोडियम कैप्राइलेट है, अनडेक्लिनिक एसिड है, ट्रायसिटीन है, सैलिसिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। ये सारे के सारे एसिड और उनके डेरिवेटिव है, जैसे ट्रायसिटीन एस्टर लिंकेज में आ गया, तो ये सारे की सारे, और जैसे सोडियम कैप्राइलेट सॉल्ट फॉर्म में आ गया, तो कहने का मतलब फैटी एसिड और देयर डेरिवेटिव हो गया। Clear? फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा फिनोल्स। फिनोल्स में ध्यान देना, फिनोल क्या होता है, फिनोल सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है, एरोमेटिक रिंग होगा और उसके ऊपर एक OH ग्रुप होगा, तो हम इसको एफिनोल बोलते हैं। अब इसका डेरिवेटाइज होगा अलग अलग, जैसा हेलोप्रोगीन होगा, क्लियोक्विनोल होगा, साइक्लोपायरोक्स होगा, ओलामीन होगा, रिसोसिनोल होगा। ये सारे के सारे फिनोल्स होते हैं जिनकी टॉपिकल एंटी फंगल एक्टिविटी होती है। This is all about initial introduction, or I mean to say, कहने का मतलब classification of antifungal agents, in जिसमें आपको मैंने complete बता दिया है जो जो कौन कौन सी drugs जो market में available है या कहीं न कहीं word में इनका utilization होता है as a antifungal, clear? इसमें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया मैंने हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर दिया। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है आपको पूरा का पूरा लिखना है। यदि आप यहाँ पे डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट है तो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट में आपको पूरा का पूरा लिखना है। यदि आप बी फार्म लेवल के स्टूडेंट या फार्म डी के स्टूडेंट है या कोई ग्रेजुएशन लेवल का कोई सा भी कोर्स है, तो उस सिचुएशन में आपको इनका नाम तो लिखना ही है। इसके बाद में ये पूरा का पूरा लिखने के बाद में आपको उसका क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है कुछ कंपाउंड्स का, जिनको इनके रिप्रेजेंटेटिव बात कहेंगे या जो प्रोटोटाइप ड्रग होते हैं उनका अपन को स्ट्रक्चर, कुछ इंपोर्टेंट ड्रग्स का स्ट्रक्चर बनाना है। वो चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है।